रमजान आया रोजा रखो जी, मैं किसे अब गोली बनानी, कोरोना बीमारी को बहाना कर गए। तौबा करो, काट ही लो। तुम करो। मैं तो कुछ नहीं किया। हम लोग जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात हुई भी है, सैरी का वक्त है, अभी कोई घंटे के अंदर जो है सैरी शुरू हो जाएगी। और आपकी भाभी ने बोला है कि हमारे साथ आके सैरी कर लो, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो अभी सिस्टम यही है कि हम लोग जाने वाले हैं आपकी भाभी की तरफ सैरी करने। लैपटॉप वगैरह पकड़ लेता, मोबाइल वगैरह मेरी जेब में ही है, वॉलेट भी जेब में ही है। हाँ जी, खेल रहे हो गेम नई वाली? बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी बैठे हो मेन स्क्रीन पे, अकाउंट बनाने बैठे हो, कह रहे बड़ा मजा आ रहा है। चल ध्यान रखी कमरे का ज्यादा ना, ये एसी वेसी बंद कर देना और लाइटें बंद करके जाना। अरे लैपटॉप तो रखा ही नहीं, पेट्रोल ही नहीं आएगा, पेट्रोल तो मुखिया पे है। तो भाई सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप, नहीं तो रास्ते में गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी और आज का हम लोग रोजा नहीं रख पाएंगे। निकलिए भाई शूटर। असल में हमारा प्लान ये बना हुआ था कि हम लोगों ने जाना है आज शॉपिंग करने। मैंने भी अपनी कुछ चीजें वगैरह लेनी ही, उसने भी कुछ अपनी चीजें वगैरह लेनी ही, और हम लोगों ने अपनी रूटीन भी ठीक करनी थी। अब हम लोगों ने प्लान इस तरह से बनाया कि रूटीन इस तरह से ठीक हो सकती है कि सैरी के बाद मां सोए। सैरी के बाद सो गए तो भाई चुप करके हम लोगों ने उठना है इफ्तारी के वक्त, तो इससे अच्छा है सो ही ना। तो भी हम लोग जा रहे हैं सैरी करने, उसके बाद देखते हैं किस तरह से टाइम गुजारने, ये ना हो कि नींद आ जाए। आ गए भाई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे, फुल कर दो, फुल 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 फुल। अरे ठुक गए भी 6,000 रुपए। तेल बहुत खाती है यार ये गाड़ी, ये मसला है इस गाड़ी का। अभी कब फुल कराई थी हमने? जिस दिन हमारा अपना वही जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उस दिन फुल कराया था। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए बस, और पेट्रोल खाली हो गया। या शायद मैं चला बहुत ज्यादा रहा हूँ, पता नहीं यार। A few moments later. तो भाई अभी सीन ही हुआ है कि पेट्रोल डलवाया है और पता लग गया कि मेरा वॉलेट घर रह गया है। तो अभी मैं उनको अपना मोबाइल कॉल वाला फोन दे के आया हूँ कि भाई ये फोन रखो मेरा, मैं अपने घर से पैसे लेके आया। घर शुक्र है पास ही है, हम लोगों ने दूर से पेट्रोल पंप से नहीं डलवाया। ओए होए 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 होए, ओ भाई परस घर रह गया, जल्दी कर। ओ लग गया ओई, ओ पजो 55 हो गए यार, और 10 मिनट रह गए सैरी के अंदर। ओए शुक्र है पहुंच गए पेट्रोल पंप। एना पहले गणेश कितना तेल पाया रे, कितना पहले ले आ रे, टोटल कितना है बिल? सर वो सैरी कर रहा है ना क्या? ओहो यार मैंने मोबाइल रखवाया हुआ इधर। अब मोबाइल ले कितने पैसे अच रखे रे यार? अच्छा मेरा मोबाइल तो ला दो। क्या हो गया है? थैंक यू। कितने रहा टोटल बिल? कितना 630। कितना होता है बता दो? 6,330। ये लो 6,330 ना, ये लो बाकी आप रख लो। ओके अल्लाह हाफिज। शुक्र है मोबाइल भी मिल गया। अच्छा भाई 10 मिनट रह गए सैरी के अंदर, तो भाई हम लोग को यहीं से कुछ पकड़ना पड़ेगा। इधर साथ ही रेस्टोरेंट है खुला हुआ, पूछता हूँ अगर उनके पास पराठे शराठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, जो परे ले आओ, जो परे ले आओ। सर सबसे पहले मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना टाइम रह गया सैरी में? सैरी में सर कितना टाइम हो गया चेक करने? सैरी सर क्लोज हो रहे हैं। क्लोज हो गए। अरे कितना टाइम, कितना रह गया, कितना रह गया? 5 मिनट 7 मिनट। 5 मिनट या कोई पराठा शराठा नहीं परा? कोई दही सही के साथ बंदा खा ले, टाइम लगेगा। अरे कुछ कुछ स्लाइस व्लाइस कुछ भी पराओ, कुछ भी मेरे पूछ लो, पूछ लो। कोई रोटी छोटी अंडा शंडा कुछ भी पराओ, ले आओ, कुछ भी ले आओ। कुछ बना? सॉरी सर अभी भी क्लोज गया। अरे यार ओए होए होए, अभी मैं सैरी टाइम सर्च करके बैठा था, 4:08 AM पे जो है खत्म हो रहा है। 4:04 रह गए, 4 मिनट रह गए, अभी कहने को कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अब क्या करें, पेट्रोल के चक्रों में सैरी रह गई हमारी, या तो अब सैरी के बगैर रोजा रखना पड़ेगा या तो कजा करना पड़ेगा। शाम को कुछ खाया भी नहीं ना, इफ्तारी भी चुतू सी की थी मैंने। चलो देखते हैं क्या बनता है, कोशिश करूंगा कि कुछ ना खाऊं। अबे यार 3 hours later. तो अभी सीन ही हुआ है कि मैं पहुंचा हा कोई तकरीबन इधर 5 बजे के करीब और मैं चला गया ऑफिस। अब जाहिर है 5 बजे इतना अच्छा नहीं लगता बंदा कि यार घर के बाहर खड़ा हूँ ये वो, तो मैं ऑफिस चला गया। मैंने कहा मैं तंग नहीं करूंगा आपकी भाभी को, अभी वहाँ से थोड़ा बहुत आराम करके जो है मैं आया हूँ मुंह हाथ धोए बगैर। तो अभी पिक करते हैं आपकी भाभी को, फिर चलते हैं मॉल शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थका बहुत ज्यादा हुआ लेकिन चलो कर लेंगे यार। हेलो, तुम्हें पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ अभी। क्या हुआ? तुम्हें पता मैं कब का आया हूँ यहाँ पे? यहाँ पे कब का आया हूँ? मेरे घर के बाहर ही डिफेंस। नहीं नहीं, तुम्हारे घर के बाहर नहीं, ऑफिस गया हुआ था। खवारी हुई है आज, बहुत ज्यादा खवारी हुई है आज। रुको, आग वाकई निकल रही है गाड़ी से। मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर अंदर आया। नहीं नहीं, वो एक बहुत गर्म हवा आ रही है। चलो आ जाओ, अब खैर है आ जाओ, बैठ जाओ। गर्म है लेकिन फ्राई हो जाओगी तुम, फ्राई हो गया सब कुछ। आज बहुत कुत्ते वाली हुई यार। बताता हूँ लंबी स्टोरी है यार, पेट्रोल पंप गया वहाँ पे मेरा वॉलेट घर रह गया, फिर मैंने उसको मोबाइल पकड़ाया, वॉलेट घर से लेके आया, उसको मैंने पैसे दिए, उसके बाद पता लगा सैरी का टाइम ही मुक गया। रोजा अभी मैंने खाया वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सैरी नहीं की। अच्छा जब तुम नेक्स्ट टाइम दुबई जाओगे ना, तो मेरे लिए प्यारे प्यारे टॉप लेके आना दुबई से। तो तुम चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं
क्यों सर रुक्सती से पहले नहीं जा सकते यार ऐसा कहाँ पे लिखा है हम ओके हो गए हम लोग प्रिंसिपल वाइज कोई कुछ नहीं कह सकता नो जब तक रुक्सती नहीं होगी मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं एक डिस्टेंस में बाहर जाओ गाड़ी से वो उधर जाओ बाहर निकल जाओ बाहर निकल जाओ बाहर निकल जाओ अब तुम मिलोगी भी नहीं मजा आया रोजा रखो जी मैं किसे अब जोनी बनानी कोरोना भी मरे को बहाना करे तोबा करो कर ही लो तुम करो मैं तो कुछ नहीं किया भाई फाइनली मॉल पहुंच गए हैं ओए होए होए अरूप देखो लेवल चेक किया मेरा पूरी की पूरी पार्किंग खाली कर दी मॉल वालों ने कैसा लगा फिर ओए होए 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 ये होना चाहिए लेवल सर इसमें कोई भी नहीं आता ये सिर्फ हम ही हैं एक प्रैंक करूं तुम्हारे साथ क्या एक छोटा सा प्रैंक तुम ये बता के कर रहे हो हाँ बताओ ब्रेक पे पैर रख दी कितनी बचकाना है मैं तुम्हें कभी बोर नहीं करूंगा छोटे मोटे मजाक आते रहेंगे नहीं इस तरह के मजाक आएंगे इससे बहुत बड़े बड़े मजाक आएंगे अच्छा अपना अंडरकवर वाला सामान पकड़ लो ग्लासेस वगैरह मास्क वगैरह हाँ हाँ बहुत जरूरी है अब हम हमारा निकाह हो गया निकाह वाली बात नहीं मैंने मुंह नहीं धोया हुआ इसलिए अंडरकवर होना जरूरी है मुंह नहीं धुला हुआ मास्क मुस्क तो पहन लो कम से कम अच्छा पहन लो मास्क पहन लो इतनी कितना घन मचाया हुआ है बेल्ट इधर क्या कर रही है यार कभी कभी यार मुंह तो ना पड़ जाता है रास्ते में कभी कभी बल्कि शुक्र है ये परा वैदर का मुंह ही धो ही ले ओह माय गॉड मैं जा रही हूं गाड़ी से यार जब तक साफ होगी मैं तब आऊंगी ये चाट से तुम क्या कर रहे हो ओ शुक्र है ये मिल गया चलो तो यार हम लोग लड़कियों के कपड़ों के स्टोर आ गए हैं तो यार मैं कह रहा हूँ तुम लोग सब्सक्राइब लाइक वगैरह किया करो ठीक है पर्चे हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा ठीक है जेब में हल्की हो रही है मेरी और कर दिया करो भाई को सपोर्ट है एक घंटा हो गया अभी तुमसे डिसाइड नहीं हो रहा तुमने लेना क्या है फजूल है हाँ मेरे बहुत शादी कैसा है क्या नेल कलर अच्छा लग रहा है अच्छा मतलब बहुत फजूल है भी सीन ये है कि हम लोग कुछ कपड़े शपड़े लेने आए हैं क्योंकि अभी जो है हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे दावत पे बुलाया हुआ है सभी लोगों ने ओरिदा ने तो हम लोग जो है यहाँ से कपड़े पकड़ लेते हैं क्योंकि अभी दो तीन घंटे रह गए इफ्तारी में तो सोच रहे हैं कि यहीं से कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा अपना दावत पे चले जाएं नहीं तो लेट हो जाएंगे सिर्फ लड़कों के कपड़े हैं एक अच्छा ले लूं दावत के लिए चलो शर्ट पसंद करो मेरे लिए फजूल 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 साथ आ जाओ एक मिनट टाइम नहीं है पता तुम्हें फिर और जहाँ मैंने 10 मिनट एक शर्ट को लेने में लगा दिया वहाँ पे कह रही है जल्दी करो किसे पूछ के अभी शिकायत पूरी नहीं हुई अभी पूरी नहीं हुई और तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती है अचानक खोल के आ रही हो क्या पता अगर मैं तुम्हें देख रही थी शर्म नहीं आती मेरा फोन तुमने शॉपिंग बैग में फेंका हुआ है हाँ किसे पूछ के यार मेरी जेब है यार डोरेमोन की पॉकेट है इसका बिल कर दें ये देखो कितने थे इन्होंने स्वेटरों पे 50% ऑफ लगा दिया गर्मियों के कपड़े पूरे पूरे प्राइस में बेच रहे हैं इतनी गंदी गर्मी में ये स्वेटर कौन लेगा 50% ऑफ में स्वेटर के साथ इनको मुझे भी घर लेके जाना पड़ेगा साथ ठंडी जुटे मार मार के स्वेटर का फायदा भी तो होना चाहिए रोजा खुलने में अभी 3 घंटे पड़े हैं और यहाँ पे सारे रोटी शोटी मंड रहे हैं पानी पी रहे हैं क्या ये हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है बताओ नहीं डिक्कीज बारबेक्यू पिट डिक्कीज बारबेक्यू की पिट ऐसे नाम होने चाहिए रेस्टोरेंट के हमारे नाम पे नहीं खोली है बिजनेस करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता हूं इनको मैं तुम इतनी ठंडी चश्मों पे कैसे हंस लेती हो इतनी फजूल चश्मा रही है तुम हंस रही हो पाकिस्तान में व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है मॉल के अंदर स्पेशली हर कोई देख रहा होता है ये गाड़ियां ले लें आज ही क्यों मैं दिखाऊं अंदर से दिखाऊं तुम्हें ये है प्लान गाड़ी लेने का कैसी है बहुत अच्छी है अच्छी है ना yes, love it. तो कहते हमारा प्लान हो रहा है गाड़ी चेंज करने का थोड़ी एसयूवी लेते हैं ठीक है मेरा मूड जा रहा है इसी गाड़ी पे काफी ज्यादा लेकिन रेड इंटीरियर ये जो है ना इंटीरियर ये तुम्हें रेड में भी मिलेगा और रेड में बहुत अच्छा लगता है इनसे पूछ तो करेंगे पास रेड है तो वो दिखाता हूँ तुम्हें ये रेड इंटीरियर में बताओ फिर है ना सेक्सी है ना फुल सिविक भी रेड है मैंने रेड इसलिए कराई थी सिविक क्योंकि रेड बहुत पसंद है मुझे अगर गाड़ी लेनी है तो ये रेड ही लेनी है वरना कोई और ले लेंगे वरना और भी आ रही है वैसे एसयूवीज अभी फिलहाल के लिए ये बहुत अच्छी है अगर लुक्स वाइज जानी है अंदर इंटीरियर वगैरह पेट्रोल सुने बहुत ज्यादा खाती है इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी कम है लेकिन गाड़ी सेक्सी है चलो चलिए यार रोजा खुलने लगा है जल्दी निकलो वो भी कह रहे होंगे गाड़ी में बैठ ही गए निकल ही नहीं रहे तो यार हम लोगों ने जो है आपकी भाभी की 25 शर्टें 3 बैग 5-6 मेकअप का सामान 4 जूते ले लिए हैं और मेरी एक शर्ट भी आ गई है शॉपिंग अभी हो गई है हमारी तुम्हारा प्रोटोकॉल कहाँ गया होए 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 लोगों को क्यों बता रही हो कि गाड़ियां आ गई हैं इतनी ज्यादा कहाँ गया तुम्हारा प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल वो नहीं, असल में उनको पता लग गया ना कि डकी भाई जाने वाला है यहाँ से, तो उन्होंने जो है अब गाड़ियों को अलाउ कर दिया अंदर आना। पहले देखो जब हम लोग आए थे उनको पता लग गया था कि हम लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो उन्होंने हमारे अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किया। तुम्हें लगता है कि शादी के बाद मुझे थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं अपने सब्सक्राइबर से वादा करके आया हूँ कि मैं बदलने नहीं वाला शादी के बाद, और ना ही मैं तुम्हें छीनने दूंगा अपने आप को। तुम लो, मुझे तुम चाहिए भी नहीं। अच्छा अब अपनी बारी में बुरा मना लिया। टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं बदलेगा भाई। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको भी व्लॉगिंग में लगा देते हैं ताकि तुम मेरी जैसी बन जाओ। सर कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम कोई मसला नहीं, बच्चों को भी व्लॉगिंग में लगा देंगे। टेंशन ना लिया करो, टेंशन नहीं लिया करो। तुम लोगों को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है? अहम ही तुम लोग मुझे मैसेज करे कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, उसे छीन लिया। पूरा वक्त इसको व्लॉग की टेंशन होती है, मेरे से घंटा दो घंटे ही मिलते हैं। अच्छा, पूरा वक्त तुम्हें व्लॉग की टेंशन होती है। लैपटॉप भी अभी देखो पीछे, दिखाओ पीछे लैपटॉप पड़ा हुआ, देखो लैपटॉप पड़ा हुआ। यार देखो लैपटॉप लेके जाना तो अब काम है ना मेरा। हाँ तो तुम पूरा वक्त यही टेंशन होती है। तुम चाहती हो मैं जॉब छोड़ दूँ? इनशावी का भी मुझे फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो कह रहा था कि जो उसके दोस्त है ना उन लोगों ने कोई रखी हुई है गैदरिंग और इसको याद नहीं था, वो दोनों तो नहीं आ रहे, फिर तुम होगे और तुम्हारी बीवी होंगे, बस दैट्स इट। क्या तुम लोगों को मैं छोटी सी अपडेट दे दूं कि यार शाबीर लोगों के साथ जो हमारी इफ्तारी जो है प्लान हुई हुई थी वो अब नहीं है। कहाँ जाना इफ्तारी करने? कहीं भी। अब मैं किसी फजूल जगह लेके जाऊंगा, फिर मैं तुम पे डालूंगा कि तुमने खुद ही कहा था कहीं भी। मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे अभी खाना शाना बांट रहे हूँ, अभी फ्री की बिरयानी बांट रहे थे। बड़ा रश होता है, देखो जहाँ पे रश होता है ना इसका मतलब है कि वहाँ का स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी वगैरह करने, वहीं पे मिलते हैं। इफ्तारी का बुफे वगैरह पकड़ लिया, दो प्लेटें क्यों तुमने पकड़ी हैं मोटो? तो हम लोगों ने जो है शर्टे वटे पहन लिए हैं, डिनर पे जाना था हम लोगों ने, तो रेडी हो गए हैं। वैसे डिनर पे जाना था हम लोग, ये खा क्यों नहीं है इतना ज्यादा, ये हमारी इफ्तारी हो रही है। तो वहाँ 1500 और पड़े हैं, वो उठा लो ना। दूसरी प्लेट तुम्हारी थी, दोनों प्लेटें तुम्हारी है, झूठ ना बोलो। झूठ तुम बोल रहे हो, अभी एक्सपोज हो रही है, तुम खाती कितना हो बुक्कर। मजेदार, मजा आया। ये ट्राई किया तुमने? नहीं, कैसा? इतना ज्यादा तुम क्या करोगी? तुमने दो चम्मच लेने हैं, तुमने फिर छोड़ देने बर्गरों की तरह। जी नहीं, मैं पूरा खाऊंगी, तुम्हारी तरह नहीं। अच्छा खाओ। खाओ ना अब। पहले टेस्ट करते हैं उसके बाद डाला करो ना इतना ज्यादा। दूसरी प्लेट भरने आया हूँ मीठे की। ओए 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 ओए, क्या समझे लेजेंड्स? गुलाब जामुन, तुमने ये नहीं देखी वहाँ पे? पोस्ट पे लाइक देखो कितने ज्यादा हो गए, 1,13,000। कैसी लगी फिर ऑडियंस मेरी? मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। अच्छे बच्चे हैं ना? बुरे कमेंट्स नहीं आते तुम्हें? नहीं आते हैं, एक दो उसमें भी तुम्हारी ऑडियंस उनसे लड़ी होती है कि खबरदार भाभी को कुछ काम। वेरी स्वीट, इन्हीं अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे बंदे थे, पुत्र बनवाए हैं। वो देखो ग्रुप फोटो हो रही है, हम भी जाए पीछे जाके फोटो वाम करने। गंजे की टिंड से दो उंगलियां निकाल लेते हैं, बल्कि गंजे की टिंड के पीछे खड़ा होता है, ऐसा लगेगा जैसे उसके बाल आए हुए। कोशिश तो किया ना मैंने। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँ, अभी जो हम लोग को दावत पे जाना है, ठीक है, वो एक अलग व्लॉग होगा कल वाला, क्योंकि शायद सहरी तक जो है वो हम लोग रहेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे व्लॉग एंड ना किया तो फिर ये वाला रह जाएगा, फिर व्लॉग आएगा नहीं तुम लोगों के लिए। यहाँ पे मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता, हम लोग अभी रेस्टोरेंट के अंदर है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओ का